हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको रेशियो का क्वेश्चन बताऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 15 सेकेंड का ही समय मिलेगा, लेकिन मैं बच्चों आपको आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे करना है। देखिए, बहुत हम आपको अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ए की आई बी की आई का बी की आई की 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आई का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको कैसे करना होता है, आपको तो कम ही समय मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे, उस तरह से आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें दिया है कि ए की आई बी की आई का 2/3 है, तो ए की जो आय है आय बराबर, अब ये बराबर बन जाएगा, यहां हो जाएगा तो किसके बी की आई का, तो बी का मतलब बी के गुणे 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 2b/3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3a = ये हो जाएगा 2b हो जाएगा। और यदि हमें a और b का अनुपात निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यदि हम यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2b में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। तो a का, अब इसमें हमको दो चीज दिया है, एक एक एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब एक जो है हमारा जो खर्च हो रहा है और हमें बचत निकालना है। तो खर्च क्या हो रहा है, कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय का 3/4। अब हम यहां से देखेंगे कि बी की बचत कितनी है, तो बी की आय, अब यहां से अब हम ये देखेंगे कि अब हमको दो चीज निकल गया, हमको आय तो निकल गया, तो हम इनकम लिख देंगे ए और बी का जो ये है जो अनुपात है। तो ए का हमारा निकल गया हमारा इनकम, इनकम जो आय है वो हमारी निकल गई इनकम, तो ये इसको आय ले लीजिए, आय ले लीजिए, ठीक है। तो आय क्या होगी हमारी बचत, तो बचत ये हो जाएगी, ये आय करें बचत करें आय जो है इनकम, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का है हमारा 2 है और बी का आपका 3 है। अब ये आ गया, अब हमको व्यय निकालना है, तो व्यय कैसे निकालेंगे अब इसमें देखेंगे। अब बी की आई का, अब कर आपके क्वेश्चन में बी की आई का 1/3 जो है, तो बी की आई हमारी कितनी थी, 3 थी, तो यहां पे लिखेंगे बी का 1/3 जो है एक का व्यय के बराबर है, एक का ए के व्यय के बराबर है, ए के व्यय के बराबर मतलब ए का व्यय होगा। तो बी का हमारा जो इनकम कितनी है, तो बी की जो कि देखिए कर रहा बी की आय, तो बी की आय का मतलब हो गया कि इनकम, बी का आय जो है दिया है बी का, तो बी का आय कितना है, बी का आय आपको मालूम है 3 है, तो 3/1/3 हो जाएगा, ये ए के बराबर होगा, जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए का जो आय जो होगा, ए की जो ये होगा आय जो होगा कितनी हो जाएगी, ए की आय का है व्यय जो होगा वो 1 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यय लिख लीजिए व्यय, तो व्यय कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम कह रहा है कि ए का, अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है
कि ए का व्यय बी के व्यय के 3/4 है। ये भी देख लीजिए, देखिए इसमें कैसे आपको समझेंगे। अब इसका देखिए जो है, अब कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय का, तो ये क्या है कि बी के व्यय का 3/4 के बराबर है। तो 3/4 के बराबर, तो ए का व्यय हमने निकाला है कि ए का व्यय 1 है और बी गुणे 3/4, तो ए हो जाएगा 3/4, तो ए होगा 3b/4 हो जाएगा। यदि हम बी का मान निकालें तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो बी बराबर हम लिखेंगे 3b = क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 3b = क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 3b = क्या हो जाएगा, 4, या बी बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए होगा 4/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बी का जो हमारा व्यय जो है आया, बी का ये व्यय आया, ये बी का हमारा व्यय आया, तो बी के व्यय का आपको कह रहा है कि बी के व्यय का 3/4 है, तो ये बी का व्यय है, ये यहाँ पे बी का व्यय 3/4 है, तो ये बी का व्यय हमारा कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे 4/3 है। अब हमको क्या करना होगा, हमको बचत निकालना है, तो बचत में हमको क्या करते हैं कि आय में से व्यय को घटा देते हैं जो खर्चा किया है, तो हमारी बचत हो जाएगी, बचत क्या हो जाएगी, 2 में से 1 घटाएंगे, यहां पे हो जाएगा 2-1, और इसका रेशियो जो होगा 2-1, और यहां पे होगा 3-4/3 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, और 3 3 9 में से 4 घटा देंगे, 9 में से 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:5/3 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में रेशियो में, तो 3 × 3 और 5/3 से 3 से पूरा करेंगे तो ए आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों मैं आप लोगों को इसी प्रकार का आपको एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए, और आप लोग हमेशा इस प्रकार के जो भाई बच्चे एसएससी सीजीएल में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से आपको टिप्स को देखिए, कैसे क्वेश्चन को साफ करना है, हर एक एक टिप्स को उसको सावधानी से देखें, क्योंकि बच्चों आपको बहुत कम समय होता है, मैं तो आपको बहुत ही विस्तार से रूप से बताया है, तो आप बच्चों अच्छी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको एक टिप्स हमेशा बताता रहूंगा जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है।